miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A-Sports. Tera vaada agar wafa hoga. Sara, aap kyun nahi aaye? सारा की शायद सास ने मना कर दिया आने से, और हमारी सारा है ही इतनी सीधी कि सास के आगे बोलना तो वो गुनाह समझती, क्योंकि मैं टेस्ट करवा चुकी। और ये कि हमारी फैमिली इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अम्मी, मैं खुद भी शायान की शादी में शरीक होना चाहती हूँ। आंटी, आंटी आप परेशान मत हो, मैं माँ से बात करूंगा, मैं मना लूंगा उन्हें। तेरा वादा अगर वफा होगा। कैसी है सारा? उसकी सास का ना दिमाग खराब हो गया, कह रही कि सारा शादी में नहीं आएगी। अरे ये कैसी धौंस है भाई, और कोई कैसे अपने सगे भाई की शादी में आने से उसको रोक सकता है? नहीं, उन्होंने तो चलो रोक लिया, सारा ने कुछ नहीं कहा आगे से। उसने कुछ भी नहीं कहा, एकदम खामोश बैठी हुई थी, ऐसे जैसे उसके होठों पर किसी ने ताले बांध दिए। तो क्या मतलब है, वो शादी में नहीं आएगी? मुझे नहीं पता भाई। अरे मैं सारा से बात करूं? कोई जरूरत नहीं, मैं भी तो देखूं ना कि उसकी नजर में ससुराल की ज्यादा अहमियत है या उसका मैका ज्यादा मायने रखता है। मुझे तो लगता है वो आज भी नहीं आएगी। इसे तो हद ही हो गई अम्मी, इतनी भी क्या सास के सुननी। अली भाई से बात करें ना, वो भी उस वक्त वही खड़ा था जब उसकी माँ ये हुक्म सुना कर गई। अली भाई उधर ही थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, झूठी तसल्लियां दी मुझे और लौटा दिया। और क्या कह रहा था उसने? आ रहा हूँ यार, रुको। मालिक को समझाओ ठीक तरह से काम किया करे, सारा गार्डन खराब करके रख दिया उसने। मुझे आपसे एक बात करनी थी। सारा की सिफारिश लेकर आए हो तो सुन लो, उसको जाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। माँ देखिए, मैं आपका कंसर्न समझता हूँ उसके लिए, लेकिन आप एक बार सारा के बारे में भी तो सोचिए। उसी के बारे में तो सोच रही हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि शादी ब्याह के घर में आराम कहाँ मिलता है? ऐसे में खुदा ना खास्ता तबीयत ऊपर नीचे हो गई तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होगा ऐसा ना, घर की बात है, बहुत सादगी से निकाह कर रहे हैं वो लोग। और अगर आपको इतनी परेशानी है उसकी, तो आप साथ चले ना, उन्होंने तो पूरी फैमिली को इनवाइट किया। नहीं, मैं उनके फ्लैट में नहीं जा सकती, दम घुटता है मेरा। तुम्हारी खातिर चली गई थी, उसी को गनीमत मानो। आप नहीं जाना चाहती ये बात तो समझ में आती है, लेकिन सारा उसकी बड़ी बहन है। देखिये पहले ही मायों का इवेंट उसके बगैर हो गया, शादी पर तो उसका होना जरूरी है। मेरे लिए मेरी बहू की सेहत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सच में आपकी बहू की सेहत आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो ये सब करके उसे डिप्रेस क्यों कर रही हैं? ठीक, मान लेते हैं आपके कहने पर हम नहीं जाते, सारा भी नहीं जाएगी और मैं भी खामोश हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा आपने सोचा? सारा इस बात की टेंशन लेगी, स्ट्रेस से उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अगर आप सच में ऐसा नहीं चाहते हैं, तो प्लीज उसे जाने की इजाजत दे दीजिए ना, प्लीज। तो ठीक है, ले जाओ उसे, लेकिन ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है वहां। थैंक यू, आप जैसा कह रही है वैसा ही होगा। भाभी आप प्लीज सारा से कह दीजिएगा कि वो शाम को तैयार हो जाए। अल्लाह हाफिज़। फिर से शुरू हो गई सारा की वो हरकतें, एक बार फिर अली को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि आप मना करें और बुरी मन जाए और वो अली की हमदर्दियां समेट ले। लेकिन मुझे अंदाजा है कि मुझे सारा को कैसे लेके चलना है। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ दो, अपने और शहीर के बारे में सोचो। मीर, मैं कुछ समझी नहीं। पहले तो तुमने मुझसे एक सच छुपाया और अब दूसरा सच छुपाकर अपनी नजरें चुरा रही हो मुझसे। मैं शहीर की दूसरी शादी के बारे में बात कर रही हूँ तुमसे।
शादी? हाँ, अब तो मौलाद की खुशी तो दे नहीं सकती उसे, तो ये कुर्बानी तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना। अब क्या सारी जिंदगी मेरा बेटा औलाद के लिए तरसता रहेगा? ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। ये आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ ना, इसमें बहुत बड़ी मसलियत है, समझ जाओ तो बेहतर है। देखो बेटा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब मजबूरी का सौदा है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना? भाभी, मैं कह रही थी कि वो भाभी आप रो रही हैं? सारा सब बर्बाद हो गया। अम्मी शहर की दूसरी शादी करना चाहती हैं। हाँ, ये आपसे किसने कहा? उन्होंने खुद कहा है मुझसे। मेरे हक की कुर्बानी मांग रही है वो। लेकिन तुम खुद बताओ, कितना आसान अपने शौहर को इस तरह से बांटना। मैं मानती हूँ मैं अधूरी हो गई हूँ, मैं उनकी खुशियों को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन सारा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? भाभी आप परेशान हैं, मैं बात करूंगी आंटी से, मैं अली से कहूंगी, वो समझाएंगे आंटी को। तुम्हारे समझाने से अब कोई फायदा नहीं है, वो शहर की दूसरी शादी कर छोड़ेगी। और मेरी हैसियत की बेबी के होने के बावजूद भी दूसरी औरत जैसी हो जाएगी। भाभी मारिया भी, ये आपका ड्रेस। अरे तुम मुझे क्यों दे रही हो, वहां जाके हैंग करो। इतना टाइम है नहीं वैसे जितना आप रिलैक्स होकर मास्क लगाकर बैठी हुई हैं। मेरी बात सुनो, तुम ना जाके अपने काम करो। अच्छा सुनो, वो शायान तैयार होने चला गया? जी, वो बिलाल भाई उन्हें छोड़ने गए और आते हुए आयजा भाभी को भी ले आएंगे। ये सारा की क्या खबर है? मैंने कॉल तो की थी लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं की। जरा फोन देना मेरे वहां से, पूछूं तो सही। बात हो गया, अम्मी शहर की दूसरी शादी करना चाहती है, मेरे हक की कुर्बानी मांग रही है वो। लेकिन तुम खुद बताओ, कितना आसान है अपने शौहर को इस तरह से बांटना। मानती हूँ मैं अधूरी हो गई हूँ, मैं उनकी खुशियों को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन सारा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ये सजा क्यों मिल रही है? शुक्र है खुदा का तुमने फोन तो उठाया, वरना मुझे लग रहा था तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सर सारा, तुम वो क्या किया है? अपनी खुशियों के आगे तुम्हें दूसरों की खुशियां दिख ही नहीं रही। हेलो, आप कुछ बोलोगी भी ऐसी खामोश रहोगी? तुम्हारे तंस खत्म होंगे तो कोई बात करूंगी ना मैं। अल्लाह अकबर, अब तुम्हारी हरकतों पर मैं प्यार भरे पैगाम तो तुम्हें भेजने से रही। मारिया, तुम अपने हवासों में नहीं हो इसलिए बिना सोचे समझे बोले चली जा रही हो। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि मुझसे मेरी तबीयत पूछ लेती? हाँ, तुम्हें तो बड़ा ख्याल है ना हमारी खुशियों का। ये तुम्हारी सोच है। सोच नहीं है बहन, अगर ये बात गलत होती ना तो तुम इस वक्त यहाँ अपने महके में होती। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं कोई वजाहत देने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। अच्छा
अरे उसने तो फोन ही रख दिया। सब पागल हैं इस घर में। सारा क्या वो तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? भाभी को इस सिचुएशन में छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा। क्या मतलब है कैसी सिचुएशन? सब ठीक है ना? आंटी दूसरी शादी कर रही है शहीर भाई, सोच सकते हैं आप इतना जुल्म? माना नगीन भाभी बे औलाद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो दूसरी औरत बर्दाश्त कर सकती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रही है वो। शहीर भाई उनको एहसास होना चाहिए अपनी बीवी का। ठीक है अगर औलाद नहीं है तो वो कर सकते हैं शादी, लेकिन इस तरह उनका दिल दुखेगा ना। अली आप आंटी को समझाएं प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा तो शायान की शादी में जाने का दिल नहीं कर रहा, मैं कैसे जाऊं भाभी को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के। माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप शहीर भाई की दूसरी शादी करा रही हैं? आवाज नीचे रखो अली। माँ माँ ये फैसला करने से पहले एक बार फिर सोच, आपके इस फैसले से भाभी कितनी हर्ट होंगी। हाँ मुझे उसके दुख का एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। माँ ये तो उनके साथ ज्यादती होगी। ज्यादती तो मैं तब करूंगी ना उसके साथ, जब किसी बगैर वजह के मैं उसके ऊपर सौकन लेकर आऊंगी। वजह कोई भी हो, आप इस तरह शहीर भाई की दूसरी शादी नहीं करवा सकते। खैर अली मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा और ना ही तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम कोई फैसला करो। बेहतर है कि इस मामले से दूर ही रहो। लेकिन मैं इस मामले से अपने आप को ला ताल्लुक नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी शहीर भाई से बात करूंगा। सुनो तुम अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूंगी कि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मैं शहीर की दूसरी बीवी लेकर ही आऊंगी। माँ प्लीज, माँ माँ ये सही नहीं है। क्या सही है क्या गलत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ गए? अभी आप खुद को अकेला ना समझ। जब शौहर का ही साथ ना हो किसी और का साथ बेमाने हो जाता है। उठो मैं करता हूं भाई से बात, और तुम्हें लगता है वो तुम्हारी बात मानेंगे? उन्होंने तो पहले ही मुझे मजबूरन कबूल किया हुआ है। अली हमारी जिंदगी एक समझौते पर टिकी, समझौता कि बेरुखी को चुपचाप जिंदगी भर झेलने का। जो लगता था कि शायद जिंदगी भर बस यही समझौता बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि और भी बहुत कुछ है झेलने को। तुम या फिर कोई और भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे नसीब में शेर का ये रवैया तकदीर ने लिखा हुआ था। दूरी अब हम नहीं लिख रहे हैं।
मारिया जरा सारा को फोन मिलाओ, पूछो क्या इरादा है उसका। बात हुई थी मेरी, मुझे नहीं लगता कि आज भी इरादा है उसका आने का। क्या? मैं खुद उससे फोन करके पूछती हूँ। क्या हुआ, क्या कहा आंटी ने? क्या कहना है माने, एक ही औलाद को अपनी गोद में हिलाने की ख्वाहिश ने भाभी के दुख को अनदेखा कर दिया। क्यों अली, एक औरत होते हुए उनको भाभी का दुख क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो इंसान को खुदकश बना देती हैं। अब क्या होगा? होना क्या है, वही होगा जो होता है। अपने हक की खुशियों कुर्बानी देनी पड़ेगी भाभी को, और सच्चाई से नजरें नहीं चुरा सकते हमसे। जो कुछ हुआ उसके बाद, आज नहीं तो कल ये होना ही था। अंदाजा था मुझे, लेकिन सब इतनी जल्दी हो जाएगा, मां इतनी जल्दी ये फैसला लेंगी, ये नहीं जानता था मैं। भाभी अभी कुछ नहीं कर सकेगी, जानती हैं वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती। कहने को सिंफे नाजुक होते हैं औरतें, और सहने को कितने बड़े बड़े दुख सह जाती है ना। ऐसे दुख जो अंदर ही अंदर से औरत को खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है, फिर से मजीद सितम सहने के लिए। क्यों होती है इतनी मजबूर और बेबस हम औरतें? मजबूर नहीं होती, वक्त और हालात ये सब करने पर मजबूर कर देते हैं। किस्मत में जो लिखा होता है उसे सहना पड़ता है। सलामुअलैकुम। जी जी आंटी, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। जी जी, अल्लाह हाफिज़। अली भाभी क्या सोचेंगे कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं? हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर शायान के निकाह पर नहीं गई तो कहीं आंटी और शायान को यह ना लगे कि हमें उनकी खुशी का कोई एहसास नहीं। तैयार हो जाओ, पहले ही बहुत देर हो गई। माशाल्लाह से रेहान और सारा की शादी हो जाती तो कितनी अच्छी जोड़ी लगती इन दोनों की। चार पैसों के लालच में सब कुछ छोड़ छाड़ के, पूरी भाल के, मंगनी तोड़ के कैसे चला गया था? मुझे तो लगता है अभी सारा से प्यार करता है। तभी तो जब वापस आया है तो पुराने मोहल्ले जाकर निकट बहन के घर का पता पूछता फिर रहा था। तेरा वादा अगर वफा होगा। मुझे तो लगा था तुम लोग आज भी नहीं आओगे। अली ने मनाया है आंटी को। जी तेरा बेटा, मैं बस एक मिनट में। जी मैं एक मिनट। क्या करती हो सारा, तुम तो मेहमान बनी हुई हो। शुक्र करो कि आ गई हूँ मैं। तुमने ना अपनी सास को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया। मैं होती ना तुम्हारी जगह तो सीधा करके रख देती हूँ। चुप कर जाओ तुम, ऐसा बोलो। अली ने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा ना।
एक तो तुम ना सारा सारी जिंदगी दूसरों के बुरा लगने के ख्याल में गुजार देना। अब घोर क्या रही हो? जाओ, तुम्हारी बहन जब से इंतजार कर रही है ऐसा। कमरे में बैठिए, जाओ जल्दी जाओ। कर जाओ तुम। फरा कहाँ चले गए? फरा जल्दी आ जाओ, मेहमान आने वाले हैं, आके इंतजाम एक दफा देख लो। वैसे अली, शायद आप भूल रहे हैं कि आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट शायान है। नहीं, ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी बहन को आज तैयार होने में वक्त लग गया, अदरवाइज हम आपसे पहले पहुंच जाते। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। वैसे आप कब अपनी शादी की दावत दे रहे? शादी का भी ना ही कोई इरादा है, ना ही कोई फुर्सत में है सर। आपको एक बात बताऊं, जब कोई दिल में उतर जाता है तो इरादे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मुझे यकीन है जब आपको भी पसंद आएगी ना तो फिर वक्त भी मैसर होता है, कभी बहाने भी नहीं चलते। चलें, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, कि अभी तक शायद कोई दिल में उतर ही नहीं सका, जिसके नाम जिंदगी का हर पल करने का फैसला किया था। Well, I hope कि आपको जल्दी कोई ऐसा मिल जाए जिंदगी में। Let's hope so. अम्मी अबू याद आ रहे हैं। आज अगर अम्मी होती तो कितना खुश होती, कितनी दुआएं देती मुझे। दुल्हने तो मैको से दुआओं के साए तले रुखसत होती। मैं कितनी बदनसीब दुल्हन ना, मुझे दुआ देने के लिए कोई है ही नहीं। मुमानी से मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मामू से तो था ना। क्या हो जाता अगर वो आ जाते, सर पे हाथ रख देते, मुझे दुआ दे देते, मेरा मान ही फट जाता। मान बढ़ाने वाले अकेला नहीं छोड़ते ऐसा, जो अकेला छोड़ते वो अपनों में शुमार नहीं होते, और जो अपने हैं ही नहीं उनके बारे में सोचकर अपनी खुशियां क्यों मान कर रही हूं। जहां तक रही दुआएं देने की बात, तो मैं हूं ना, तुम हमेशा खुश रहो, अल्लाह करे तुम्हारी खुशियां कभी मान ना पड़े। तुम्हें हमारे घर से इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले, तुम अपनी सारी महरूमियां भूल जाओ, भूल जाओ तुम वो सारे गम जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिले। बहन मान आए तुम्हें, बहन बनकर दिखाऊंगी। सारा, अभी तक बातों में लगे हुए, अब सारा इसको रुलाओ मत, देना उसका मेकअप खराब हो जाएगा। कारी साहब आ गए निकाह की तैयारी करो जल्दी। चलो अब अपना मूड सही करो। ऐसी डर की वजह से आपको नहीं बताना चाहती थी, देख लिया ना मेरा डर
मेरी हकीकत बन के मेरे सामने आ खड़ा हुआ है, और आप मेरे होते हुए भी अब मेरे लिए पराये हो जाएंगे। शहीद, अब मैं आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। सिर्फ मां नहीं, मैं भी यही चाहता हूं। वक्त गुजारा है हमारे साथ, उस गुजारे हुए वक्त में एक तो कोई ऐसा लम्हा होगा जिसमें आपको महसूस हुआ होगा कि आप मुझसे प्यार करते, क्या उसे एक लम्हे का सोचते हुए भी आपको किसी और को अपनाते हुए झिझक नहीं महसूस हुई? नगीन, प्यार में भी इस हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। तुम खुद को मेरी जगह पर रख के सोचो। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या फैसला लेती? नहीं शही, मैं सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रहती, लेकिन फिर भी मैं कभी किसी और को अपना ना मनाती। ऐसा नहीं होता नखील, तुम जज्बाती होकर सोच रही हो इसलिए ये कह रही हो। और तुम प्यार की बात कर रही हो, प्यार में इंसान खुद गर्ज नहीं होता। अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार होता तो तुम मुझे दूसरी शादी का कह देती। क्यों नहीं तुमने मां से कहा कि औलाद को तरसने की बजाय मेरे शोहर की दूसरी शादी करवा दे? नहीं हाँ, अपने शोहर को किसी और का कर देना, क्या क्या इतना एहसान है जितना आपको लगता है? ये प्यार में खुद को मुश्किल में डालकर अपने प्यार के आसानियां की जाती हैं। सारा संभल के क्या हो गया? पता नहीं ऐसे ही पैच लग हो गया।
सारा, मैं जानता हूँ तुम भाभी की वजह से बहुत अपसेट हो, यहाँ तुम्हारे भाई की शादी है, सब लोग बहुत खुश हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इंटेंशंस को। ये बहुत यादगार लम्हे हैं, इनमें खुश रहो, एंजॉय करो इन्हें। मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बस एक मिनट में। साहिल माशाल्लाह से रेहान और सारा की शादी हो जाती तो कितनी अच्छी जोड़ी लगती है इन दोनों की। चार पैसों के लालच में सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी भाल के मंगनी तोड़ के कैसे चला गया था? मुझे तो लगता है अभी सारा से प्यार करता है, तभी तो जब वापस आया है तो पुराने मोहल्ले जाकर निगत बहन के घर का पता पूछता फिर रहा था। खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन करना चाह रहा था, लेकिन घबरा रहा था कि तुम्हारे लिए कोई मसला ना हो जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए कंसर्न शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जियो या मरूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए आइंदा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत कर। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। सारा जी अम्मी, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। रेहान भाई आपको कुछ चाहिए? नो थैंक यू। ये सारा का एयरिंग दे देना, ढूंढ रही हो तो। सारा का एयरिंग शायद कहीं गिर गया। एयरिंग? अरे यहीं तो था, यहाँ कहीं गिरा होगा। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? मेरा एयरिंग कहीं गिर गया। कहाँ गिर गया? अच्छा तुम बैठो, मैं देख के आता। सारा अभी आपका एयरिंग। अरे कहाँ से मिला? रेहान भाई ने दिया। अच्छा थैंक यू ऐसा, बहुत प्यारी दिन दी हो जी। तुम्हें क्या लगता है? किस बारे में? रेहान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं।
बैठे बैठे उसका ख्याल कहाँ से आ गया? बस ऐसे ही आज कुछ अपसेट से लगा वो। तुम उससे नोट कर रहे थे? और शायद एक्चुअली मैं सारा और रियान के बारे में जानता हूँ ना, इसलिए नोटिस किया। कई बार उसे देखा सारा को देखते हुए, उसके चेहरे पर उदासी आ रही थी ना, ठीक नहीं लगा मुझे। बिलाल, जो तुम्हारा तज्जिया है ना, इसे खुद तक महदूद रखना, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और से डिस्कस करूँ। रेहान ने भले मूव ऑन किया हो ना हो, लेकिन सारा अली के साथ ज़रूर खुश है। खूबसूरत लग रही हो तुम भी, बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे यार, मैं तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट लाना ही भूल गया। इट्स ओके शायन, मेरी नजर में तुम्हारी मोहब्बत की जो अहमियत है उसके सामने ये तोहफे तहफ कोई मायने नहीं रखते। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो मूड ऑफ करके बैठ जाती। मेरी जगह कोई और क्यों होता? नहीं नहीं, मेरा मतलब कि ऐसे ही कह रहा हूँ, जनरली एक बात कर रहा हूँ कि शायद तुम्हारे लिए ये मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये ज़िंदगी भर की खुशियों का सवाल है। अक्सर लड़कियाँ शादी के बाद अपने शौहर और फिर उसकी फैमिली को अपनाती हैं। मैंने सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को अपनाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी और अम्मी की वो सास बहू वाली लड़ाइयाँ नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होंगी, मैं उनकी बहू नहीं उनकी बेटी हूँ। और माँ बेटियों के आरजी झगड़े तो हो सकते हैं, लेकिन तूल देने वाले झगड़े कभी नहीं हो सकते। झगड़ा हो भी जाए, तुम बहुत समझदारी से उसे हैंडलिंग करोगी, इतना तो भरोसा है मुझे तुम पे। सारे रिश्ते दिल से निभाओगी। सारा, मैं समझता था कि तुम मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, इसलिए अपने दिल की हर बात बिना जज के मुझसे शेयर कर लेती, फिर चाहे वो कोई भी बात क्यों ना। ऐसा ही है अलीब, मैं अपनी सारी परेशानियां आपसे ही शेयर करती हूँ। सिर्फ परेशानियों की बात नहीं कर रहा सर, कहना क्या चाहते हैं अली, खुलकर कहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुमने मुझे ये बात तो जरूर बताई थी कि रेहान तुम्हारा कजन, फिर ये क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारा फियांसे भी था। हम ना बाजार।
Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.